जय हिंद एंड गाइस, टुडे इज माय 10th लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो गाइस, आज का लेक्चर है एंड देन नेक्स्ट लेक्चर जितने भी होंगे वो केमिकल काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कि आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर क्या है। तो आज गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ, और वी कैन से इट रेट इक्वेशन बोथ आर सेम। क्लियर है? तो दिस वन इज द लेक्चर नंबर 10 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो इससे पहले हम लोगों ने कितने लेक्चर कवर किए? इससे पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर कंप्लीट किए हैं केमिकल काइनेटिक्स से, जिसके अंतर्गत जितने भी जो केमिकल काइनेटिक के जो कॉन्सेप्ट थे, विदाउट स्किपिंग एनी कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया है कि आपको जो केमिकल काइनेटिक जो चैप्टर है उस जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो। तो जो बच्चे नहीं देखे तो आप प्लीज़ हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब केमिकल काइनेटिक्स बाय एटॉमिक माइंड्स एंड देन यू विल गेट ऑल रिलेटेड वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड वॉच फॉर योर फुल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ और रेट इक्वेशन। क्लियर है? तो गाइज हम लोगों ने पहले पढ़ा था, लेक्चर 1-2 में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? जो रेट लॉ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द डिफरेंशियल रेट लॉ एंड सेकेंड वन इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जो लेक्चर 1-2 या और लेक्चर 3 होगा उसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में इसे पढ़ा है। क्लियर है? तो इसको जो हम लोग एक्सप्रेस करते थे रेट को, तो हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते थे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर एक यहाँ पे ए इज गिविंग बी दैट इज द, और यहाँ पे स्टोइकोमेट्री इज द बी, दिस वन इज द प्रोडक्ट और दिस वन इज द रिएक्टेंट। क्लियर है? तो हम लोग जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होता था जब हम किसी पर्टिकुलर जब रिएक्टेंट या किसी पर्टिकुलर जब हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखते थे तो कैसे लिखते थे? आप यहाँ पे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डी सी ए बाय डी टी। व्हाट इज द सी ए? सी ए इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड हियर विल बी द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल टू प्लस 1 बाय बी डी सी बी बाय डी टी। क्लियर है? इक्वल टू हम इसे किस से इंडिकेट करते थे? हम इसे आर वार को हम इंडिकेट करते थे आर से, एंड देन आता था रेट लॉ, जो एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस्ड जो एक्सप्रेशन होता था रेट लॉ का, जिसमें ये दिखाया जाता था कि जो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर है? ए, तो दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब जब हम गाइस, दिस इज ऑल्सो आर, तो जब हम ये दोनों को आपस में जब मिलाते थे तो हमारे पास क्या होता था? हमारे पास होता था एक इक्वेशन बन के आता था। क्या था? 1 माइनस ए डी सी ए बाई डी टी इजकल टू के सी ए बाई एक्स। एक्स इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है? और या हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ये देखो, माइनस डी सी ए बाई डी टी इजकल टू ए के सी ए एक्स। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट लॉ, जो हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे
या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन होगा इस किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का उसके बारे में बताता है। तो एग्जैक्टली हमें यही जो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ये भी बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है, जो हमें एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, क्लियर है। तो हम लोग जो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ है तो उसको हम लोग अभी इलोब्रेट कर रहे हैं, क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे तो इसका मतलब ये जो था डिफरेंशियल जो रेट लॉ था वो हमें बताता क्या था, एक्चुअली इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था। तो जो डिफरेंशियल रेट लॉ था गाइस वो हमें क्या बताता था, वो हमें ये बताता कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, मीन्स डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज टोल्ड बाय डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे अब आप देखो कि ये हमें क्या बताता है, ये बताता है डिपेंडेंसी सी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंसी रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर है। ये तो हमें क्लियर हो गया, बट ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, तो अब हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं, थोड़ा इसको इलोब्रेट कर लेते हैं। तो क्या होगा कि जब हम जो नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे तो हमें वहाँ बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्ट से हम उस जो जो लेक्चर है उसको हम बहुत इंटरेस्ट से आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। तो गाइस यहाँ पे तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई देर आर टू टाइप्स ऑफ द रेट लॉ, वन इज द डिफरेंशियल रेट लॉ जिसमें हमें ये बताया जाता है कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर कैसे ये डिपेंड करता है, क्लियर है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो सर जब यहीं पे आपने बता दिया तो फिर ये हमें क्या बताता है, क्लियर है। तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है गाइस, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है कॉज एंड अनदर इज द इफेक्ट, क्लियर है। तो कॉज क्या है एंड इफेक्ट क्या है, तो कॉज इफेक्ट क्या है कि फिर जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है दैट इज द चेंजिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। तो कॉज क्या होगा, कॉज होगा कि वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, क्लियर है। तो मतलब वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब जो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है अगर उसमें वेरी कर रहा है विथ टाइम, और जिसका इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, जिसका इफेक्ट पड़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख लो कि तो फिर सर आपने तो बता दिया कि डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज टोल्ड बाय डिफरेंशियल रेट लॉ। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, तो गाइस इंटीग्रेटेड रेट लॉ कुछ नहीं है, ये किससे होता है जब हम डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेट करते हैं देन वी फाइंड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब तो मेरे को समझ में आ गया कि हम ऑलरेडी क्या जानते थे, हम ऑलरेडी जानते थे डिफरेंशियल रेट लॉ, और जब उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो बट ये बताता क्या है, ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है चूंकि हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है वो किस पे, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो फिर हमें एक कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए कि भाई जो कॉन्सेंट्रेशन का जो क्वांटिटी है, एक रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है विथ टाइम वो कैसे चेंज हो रहा है। तो अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगा तो एक जो कंप्लीट जो रिएक्शन है उसके बारे में हमारे पास एक डेप्थ इन्फॉर्मेशन होगा, हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं
क्लियर है। तो जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है गाइस वो क्या है, इंटीग्रेटेड लॉ इज नथिंग, इट्स अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिलेशन और एक्सप्रेशन कर लो रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। मतलब क्या है कि भाई रेट लॉ जो है वो कुछ नहीं, वो जस्ट ये बताता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है। मींस ये क्या है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, मैथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम के बीच में। क्लियर है। तो हम लोगों ने तो सारा बैकग्राउंड तो समझ लिया है कि क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ और क्या होता है डिफरेंशियल रेट लॉ। ले रहे हैं। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको कि गाइस यहाँ पे आप जैसे ऐसे समझ लो, तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। चलो ए दिया हुआ है, ए इज गिविंग बी, इट इज द प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द रिएक्टेंट। क्लियर है। तो एज पर द रेट लॉ अगर हम डिफरेंशियल जो रेट लॉ लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाए माइनस डी सी ए बाई डी टी, चूँकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल टू, और फॉर एग्जांपल गिवेन जो एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस जो रेट इक्वेशन है वो क्या है, आर इक्वल टू के सी ए नॉट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इन दिस रिएक्शन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, एंड इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर ऑल योर एक्सपेक्टेड टॉपिक दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सो ऑन। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो अगर इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे क्या है के सी ए इक्वल टू जीरो, इट मीन्स सी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ है उस टू द पावर जीरो, मीन्स क्या हुआ गाइज यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है, देखो आर आर इजकल टू दिस वन, तो दिस वन क्लियर है, तो आर इजकल टू गिवन है। अब यहाँ पे कह रहा है तो यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, यहाँ पे हो गया के, अब यहाँ पे क्या हो गया सी ए नॉट, तो सी ए नॉट को हम क्या 1 लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे देखो क्या हो गया माइनस डी सी ए बाई डी टी इजकल टू के, दिस इज द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लोग ने क्या पढ़ा भी कि अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ जानना है, अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बीच का रिलेशन जानना है, अगर आपको ये जानना है कि कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम कैसे वैरी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम जो डिफरेंशियल जो रेट लॉ है अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें, दैट इज बी कन्वर्टेड इंटू इंटीग्रेटेड रेट लॉ। क्लियर है। तो चलो हम इसी को करते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, अगर हम इक्वेशन 1 को माइनस डी सी ए बाई डी टी इजकल टू के, क्लियर है, अब यहाँ पे अगर कर दो तो क्या हो जाएगा डी सी ए बाई के डी टी, क्लियर है। अभी तक ये क्या है, ये अभी तक भी डिफरेंशियल रेट लॉ है, अगर हम इसको इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट में एक टर्मिनोलॉजी आता है, क्या होता है लिमिट। क्लियर है। तो इसका लिमिट क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखो जब t इक्वल टू जीरो था तो फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना था, इसको ले लो सी ए नोट, और जब t इक्वल टू t है या टाइम, यहाँ पे ऐसे लिख लो टाइम इक्वल टू जीरो, हियर इज द टाइम इक्वल टू t, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है सी ए। क्लियर है। तो अभी सही पुट कर लो, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल पॉइंट सी ए नोट एंड हियर विल बी द सी ए, एंड यहाँ पे क्या हुआ टी इजकल टू जीरो टू टी इजकल टू टी। क्लियर है।
तो चूंकि जब हमें हमारे पास जब लिमिट मालूम होता है तो हमें यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट होता है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो आता है। तो अब इसे आप कैलकुलेट करो, तो आप इसको इंटीग्रेट करो, तो ये जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन है यहाँ देर इज अ डिफरेंसेस तो इट विल बी कैंसिल। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सी ए, और यहाँ पे जो लोअर लिमिट क्या है, सी ए नोट एंड हियर विल बी द सी ए इजकल टू। अब यहाँ पे देखो के इज द कॉन्स्टेंट, के को बाहर ले लो। अब यहाँ पे जब डी और इंटीग्रेशन और डिफरेंसिएशन जो टर्म है उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, टी। अब यहाँ पे टी को भी आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट कर दो, तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गाइस क्या, माइनस सी ए अपर लिमिट माइनस सी ए नोट इक्वल टू के टी माइनस जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस, तो प्लस सी ए नोट माइनस सी ए के टी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें सी ए फाइंड करना है, क्योंकि ये किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमारा इनिशियल वैल्यू है तो हमें मालूम ही है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, सी ए इजकल टू सी ए नोट माइनस के टी। तो ये एक्सप्रेशन हमें क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है ये जो सी ए है, सी इज व्हाट, सी ए इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट अ पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है? दैट पर्टिकुलर टाइम इज द टी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड सी ए नोट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इजकल टू जीरो, मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट किया तो उसमें जो जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो है सी ए नॉट। क्लियर है? दिस इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू या दिस इज द फिक्स वैल्यू एंड के इज द रेट कॉन्स्टेंट। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आया, यहाँ से एक एक्सप्रेशन आया कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो कैसे विथ टाइम चेंज हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरह से जो इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ है गाइस वो ये हमें बताता है, एक मैथमेटिकल रिलेशन देता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच। क्लियर है? तो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ, दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डिफरेंशियल रेट लॉ बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्लियर है? तो ये सारे बैकग्राउंड, तो आई थिंक जो इंटीग्रेटेड रेट फॉर्म ऑफ रेट लॉ था वो भी आपको क्लियर हुए, और जो मैंने पहले आपको जो बताया था डिफरेंशियल रेट लॉ वो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो गाइस ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, तो मैंने इतना बैकग्राउंड इसलिए कवर किया कि ताकि आपको एक छोटा सा भी पॉइंट अगर किसी तरह का कोई डाउट हो कि सर ऐसा क्यों, वो क्यों, ये क्यों, तो सारे के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो गाइज नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फर्स्ट ऑर्डर, तो गाइज इन नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और थोड़ा अगर इलोबरेट करके बोले तो इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे बता दिया है कि यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बट इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो कंपटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चंस जो आइदर इट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इवन इट विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि जो केमिकल काइनेटिक्स है उसका सारा कॉन्सेप्ट कहाँ है, वो सारा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ रेट लॉ में। क्लियर है? तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।